लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र सरकार के तमाम दावों और फरमानों के बावजूद मुंबई के प्राइवेट हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकम का खुलासा इस बात का सबूत देता है कि किस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेस्क्रिप्शन दिए बिना ही मरीजों से ज्यादा कीमत पर रेमडेसिविर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धांधली सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों तक ही सीमित नहीं है। वासी के जंबो कोविड केयर सेंटर में ऐसी ही मनमानी सामने आई है, जहां मरीज को एक रेमडेसिविर देकर 5 दिखाया गया है। सतीश निकम ने इलाज के नाम पर चल रहे इस गोरख धंधे को तत्काल रोकने की मांग की है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सो बेस्ड ऑन द क्रिटिकॅलिटी अँड इफ वी प्रायोरिटाइज की कोणाकोणाला द्यायचं आणि देन वी ऍडमिनिस्टर दोस डोसेस। ठीक आहे, ओके। मग ते मला प्रिस्क्रिप्शन देणार का आणि तुम्ही मला लिहून देणार का नॉट सप्लाय आहे म्हणून, तर मग मी घेऊन येते। नाही मॅडम, प्रिस्क्रिप्शन तर बाहेर नाही देऊ शकत ना। असं कसं हो, जर माझ्या पेशंटला जर गरजेचंच आहे आणि लिहिलंच आहे तर दिलंच पाहिजे, बरोबर ना? आमच्याकडे जो सप्लाय आहे, बिकॉज दिस ड्रग्स आर नॉट प्रोक्युअर्ड अँड नॉट मॅन्युफॅक्चर्ड बाय डीवाय पाटील, तुम्ही एनएमसीचे डॉक्टर बोगीकर आहेत, यू कॅन अप्रोच देम अँड गेट द रिटायर लेटर फ्रॉम देम, पण पेशंट एनएमसीच्या अंडर ऍडमिट। इस प्रकार का गोरख धंधा मुंबई के ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है, ऐसा हमारा दावा है। बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने खुद के अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है कि नहीं, इस प्रकार के खोजबीन करने के बाद अभी समय आ गया। माननीय आयुक्त साहब, आप अभी डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करेंगे? नवी मुंबई में कोरोना मरीजों को इलाज के नाम पर लूटने वाले अस्पतालों की सूची में अब नेरुल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल का भी नाम जुड़ गया है। बीजेपी आईटी सेल के स्टेट हेड सतीश निकम ने डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा रेमडेसिविर की धांधली किए जाने का नया खुलासा किया है। सतीश निकम ने कहा कि जब मनपा आयुक्त और सरकार यह दावा कर चुके हैं कि रेमडेसिविर सीधे अस्पताल में जाएगी, इसके बावजूद डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना मरीज आशा लता के परिजनों से बाहर से रेमडी इंजेक्शन मंगाने पर जोर दिया। सतीश निकम ने इसके सबूत दिखाए और सवाल उठाया कि हॉस्पिटल की यह कारस्तानी कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि मरीजों के नाम पर आया हुआ रेमडी इंजेक्शन छुपाकर फिर उन्हीं मरीजों को अंदर खाने ब्लैक रेट पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या आयुक्त अभिजीत बांगर नेरुल के डीवाई पाटिल हॉस्पिटल की इस कालाबाजारी पर कार्रवाई करेंगे? सिटीजन्स फाउंडेशन पिछले 8 दिन से नवी मुंबई में कोविड हेल्पलाइन चला रहा है और हमारी जानकारी में ऐसी बात आई कि कमिश्नर तो बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, रेमडेसिविर जो है वो प्रशासन के मार्फत हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट पहुंचाया जाए। डीवाई पाटिल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक पेशेंट है आशा लता शिरसेकर, उस पेशेंट के रिलेटिव को फोन आया हुआ है और उस रिलेटिव को रेमडेसिविर आप लाइए इस प्रकार की पूछता बताया गया। उस पेशेंट के रिलेटिव ने सामने से पूछा कि आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, तो सामने से व्यक्ति बता रहा है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, यानी अभी क्या है तो अभी हम लिखित कुछ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी रिलेटिव के ऊपर रेमडेसिविर के लिए जो आवश्यक प्रेशर है, दबाव है, वो जारी है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ऐसी गड़बड़ी चल रही है कि पेशेंट्स के नाम पे आया हुआ रेमडेसिविर ही इन्हीं पेशेंट के रिलेटिव्स को अधिक पैसे में बेचा जा रहा है। इसका भी एक नेक्सस नवी मुंबई में चल रहा है, जिसमें या तो रेमडेसिविर आए हैं और पेशेंट की मौत हो गई, या तो अंदर खाने रेमडेसिविर तो पहुंच गए हॉस्पिटल्स के पास लेकिन प्रत्यक्ष रेमडेसिविर दिए ही गए नहीं। इस प्रकार का गोरख धंधा नवी मुंबई के ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है, ऐसा हमारा दावा है। बीजेपी नेता सतीश निकम ने कहा कि यह धांधली सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वाशी के जंबो कोविड केयर सेंटर में भी ऐसी ही कालाबाजारी का वाकया सामने आया है। आशा पेडनेकर नामक महिला का हवाला देते हुए बीजेपी नेता सतीश निकम ने कहा कि जब यह कोरोना मरीज
25 अप्रैल को सीरियस हो गई, तब उन्हें सिद्धिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस वक्त मरीज की ट्रांसफर समरी में 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का उल्लेख था, लेकिन आईडीपी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसे तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन दिया गया था। फिर सवाल यह है कि बाकी 4 रेमडेसिविर कहाँ गए? उन्होंने कोविड सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर वसंत माने से जवाब मांगा तो उत्तर मिला कि गलती हो गई। सतीश निकम ने कहा कि आखिर यह गलती अब तक और कितने मरीजों के साथ हुई है। उन्होंने पूछा कि कहीं यही गलती तो नहीं जो मुंबई में मौत का आंकड़ा बढ़ा रही है, फिर इसकी छानबीन क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने एक प्रत्यक्ष केस माननीय आयुक्त साहब के सामने रखा। 22 अप्रैल को आशा पेडनेकर नाम की एक पेशेंट को सिडको एग्जीबिशन सेंटर में दाखिल किया गया। 25 अप्रैल को ये पेशेंट अत्यवस्थ हो गई, इसके लिए इसको सिडनी का हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर समरी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस पेशेंट को 5 रेमडेसिविर दिए गए। अभी हमारे सूत्रों से हमने जो अंदर के आईपीडी के रिपोर्ट्स निकाले, वह रिपोर्ट भी हमने माननीय आयुक्त साहब को सबमिट किए हैं और उसमें सिर्फ 1 रेमडेसिविर दिया गया, इस प्रकार का उल्लेख है। यानी अभी प्रश्न उठता है कि फिर 4 रेमडेसिविर गए का? हमने सिडको के जो कोरोना सेंटर के प्रमुख है वसंत माने, उनसे भी जाकर पूछताछ की, तो बोलते नहीं हमसे गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं मराठी में कुंपन शेत खाता है, इस प्रकार का एक मामला अभी चल रहा है। मुझे लगता है माननीय आयुक्त साहब ने इसके ऊपर बहुत ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपने खुद के अधिकारी भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है कि नहीं, इस प्रकार के खोजबीन करने के अभी समय। बीजेपी नेता ने कहा कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों के इस गोरख धंधे के खिलाफ शिकायत की है, जिन्हें लेकर 3 हॉस्पिटलों पर मनपा आयुक्त ने कार्रवाई की है। लेकिन असली सवाल तो नोडल ऑफिसर की नियत का है, जिन्हें रेमडेसिविर की धांधली और इलाज के नाम पर चल रही लूट को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में मनपा का कोई भी अधिकारी या आयुक्त बोलने तक को तैयार नहीं है। इस पर सतीश निकम ने आशंका जताई कि कहीं मनपा के अधिकारी भी इस काले खेल में शामिल तो नहीं है, इसलिए गहराई में उतरकर मामले की पूरी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। एक बात तो खुली खुली सामने दिख रही है कि पिछले 2 सप्ताह से नवी मुंबई का मृत्यु दर ये बढ़ रहा है, और जब मैंने रेमडेसिविर की बात की तो रेमडेसिविर अलर्ट हो रहे हैं लेकिन लगने रहे हैं, तो कहीं ये कारण तो नहीं है मृत्यु दर बढ़ने के लिए? तो ये सारी चीजें मैंने खुद वसंत माने जी की भेंट लिया और उनको पूछा कि भाई आपके यहाँ पे कोविड सेंटर का भी मृत्यु दर बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपके प्रोटोकॉल में भी तो डिफरेंस आया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों में एक प्रकार से आप प्रोटोकॉल को और एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं है, खाली हमसे गलती हो गई ये उन्होंने मान लिया। तो इस प्रकार की गलती एक पेशेंट की जान के लिए घातक हो सकती है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ एक पेशेंट का दाखला सामने आया है, ऐसे कितने लोगों के बारे में हुआ है इसके बारे में भी पूछताछ करने की आवश्यकता है। आयुक्त साहब के सामने ये सारे केसेस हमने रखे हैं, हमने उनसे विनती की है कि आप इसके डिटेल्स में जाइए। अभी तो सिर्फ शो कॉज नोटिस उन्होंने निकाला हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल को नोडल ऑफिसर दिया हुआ है। इस नोडल ऑफिसर का काम है कि रेमडेसिविर आए हुए पेशेंट्स को दिए या नहीं दिए। अभी हमारे सामने तो आयुक्त साहब ने बताया कि हम खाली वायल्स भी ऑफिस मंगा कर उसका रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, लेकिन वो एफिशिएंटली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमें शंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।